हेलो दोस्तों, क्रोशे क्राफ्ट की दुनिया में वेलकम। आज के इस वीडियो में हम क्रोशे से एक बहुत ही सिंपल सा हेडबैंड बनाना सीखेंगे, हेयरबैंड जिसे हम कहते हैं। इसे हम एक शेल स्टिच, देखिए इस तरह से शेल स्टिच के पैटर्न में बनाएंगे। तो यहाँ मैंने दो बनाया है, ये एक्चुअली एक न्यूबॉर्न साइज के लिए है, न्यूबॉर्न से 3 मंथ्स के लिए। आप इसे किसी भी साइज में बना सकते हैं। एक्चुअली यहाँ अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ स्ट्रिंग की तरह इसे बनाया है, तो आप इसे बांध सकते हैं। अगर आपको ये स्ट्रिंग की तरह नहीं चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए इस तरह से बनेगा और इसको हम टाइट करेंगे। अगर आपको इसको इस तरह से नहीं बनाना है, स्ट्रिंग की जगह आपको पूरा हेड को कवर करना है, तो आप ये स्ट्रिंग को आप एक्सक्लू हटाकर इन दोनों शेल को आप इस तरह से ज्वाइन भी कर सकते हैं, तो नॉर्मल हमारा हेडबैंड की तरह हो जाएगा। और यहाँ मैंने एक फ्लावर फिट किया है, एक्चुअली मैंने यहाँ इसको स्टिच नहीं किया है, बस दिखाने के लिए। ये है एक्चुअल हमारा पैटर्न। तो इसको आप, अगर आप इस तरह का स्ट्रिंग नहीं चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली इसको इस तरह से क्लोज कर सकते हैं। तो आपका आपको शेल्स थोड़े ज़्यादा बनाने होंगे और आप इसको टाई करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। आप इसको फ्लावर से, देखिए इस तरह से फ्लावर से आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने फ्लावर का बहुत ही डिफरेंट फ्लावर्स का ट्यूटोरियल किया है, प्लेलिस्ट पूरा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये रोज फ्लावर या एक रफल फ्लावर आप चाहते हैं तो इसको हम जैसे छोटे छोटे जो फ्लावर्स है उससे भी डेकोरेट कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको प्लेन सिंपल, देखिए देखिए इस तरह से सिंपल जो शेल का पैटर्न है उस हिसाब से भी आप इसको बना सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है छोटे बच्चों के लिए स्पेशली। तो इसे बनाने के लिए मैंने एक्चुअली यहाँ 3.5 mm का क्रोशे का हुक यूज़ किया है, और ये जो यार्न यूज़ किया है ये 4-ply का एंकर का कॉटन यार्न है। आप जो भी आपके पास हुक है और यान है उससे आप बना सकते हैं, बस देखिए जिस भी यान से आप बना रहे हैं उसका करस्पॉन्डिंग हुक यूज़ कीजिए। सो आई एम गोइंग टू मेक दिस शेल स्टिच हेडबैंड टुडे विथ द स्ट्रिंग्स अटैच दैट यू कैन टाई इट अप। इफ यू डोंट वांट टू टाई इट अप, यू जस्ट मेक द शेल्स मोर एंड जस्ट अटैच लाइक दिस, सो यू कैन गेट द प्रॉपर हेडबैंड विदाउट द स्ट्रिंग्स। You can decorate it with the flowers. I have made a couple of flowers in my videos. You can if you want to, or just don't use any flowers. You can use any hook and any yarn that you have. Just make sure that the yarn that you are using, you use the particular hook for that particular yarn. तो इसे हम पहले एक स्लिप नॉट से स्टार्ट करेंगे। We'll start with a slip knot. तो स्लिप नॉट बनाने के लिए इस तरह से X और जो वर्किंग यार्न है उसको मैं यहाँ से पुल कर रही हूँ, ठीक है। तो ये बन गया मेरा स्लिप नॉट, मैं इसको टाइट कर देती हूँ। अब आपको चेन स्टिचेस बनाने हैं, यू हैव टू मेक चेन स्टिच। और जितना आपका हेड सर्कमफ्रेंस है, अगर आप पूरा हेड कवर करना चाहते हैं तो इस हिसाब से, या एक कान से दूसरे कान तक उतना ही आपको शेल स्टिच चाहिए तो उस हिसाब से। सो मेक योर चेन स्टिच दैट कवर्स योर हेड और फ्रॉम ईयर टू ईयर। तो मैं यहाँ चेन स्टिच बना रही हूँ, देखिए इस तरह से हम चेन स्टिचेस बनाएंगे। सो आई एम गोइंग टू मेक चेन स्टिच। बस आपको एक ध्यान रखना है कि वो जो चेन स्टिच आप बना रहे हैं वो मल्टीपल्स ऑफ 5 में होने चाहिए, 5 के मल्टीपल्स में होने चाहिए। सो हियर आई एम गोइंग टू मेक सम चेन स्टिच विच विल बी अ मल्टीपल ऑफ 5। आई विल टेल यू हाउ मेनी आई हैव मेड। मैं थोड़े बनाती हूँ और दिखाती हूँ यहाँ मैंने कितने बनाए हैं। तो देखिए यहाँ मैंने थोड़े चेन स्टिचेस बना दिए हैं, ये ऑलमोस्ट 50 है। अगर मैं इसको इसमें कंसिडर करूँगी तो देखिए इतना आ जाएगा, और जो नीचे का जो बचा है उसमें मैं एक स्ट्रिंग जैसे बनाऊंगी। सो आई हैव मेड 50 चेन स्टिच एंड आई हैव सम मोर रिमेनिंग दैट आई विल डू फॉर द स्ट्रिंग पार्ट। तो जितना आपका हेड साइज है, डिपेंडिंग ऑन द हुक और थ्रेड, आपका ये जो चेन स्टिच का नंबर है थोड़ा चेंज हो जाएगा। शायद आपको 60 जाना पड़ेगा या 40 में भी हो जाएगा। सो डिपेंडिंग ऑन योर हुक साइज एंड योर थ्रेड यू माइट हैव टू इंक्रीज और डिक्रीज योर चेन स्टिच। जस्ट मेक श्योर इट इज मल्टीपल्स ऑफ 5। तो यहाँ मैंने 50 चेन स्टिचेस बना दिए हैं। अब इसके बाद मैं एक और चेन स्टिच डालूंगी, 50+1। सो मल्टीपल्स ऑफ 5+1 में हम इसे स्टार्ट करेंगे। सो वील स्टार्ट विथ मल्टीपल्स ऑफ 5+1। अब हम क्या करेंगे, जो हमने फर्स्ट चेन जो बनाया था उसको हम स्किप करेंगे। आई एम गोइंग टू स्किप द फर्स्ट स्टिच
और जो सेकेंड स्टिच है उसमें मैं एक सिंगल क्रोशे बनाऊंगी। तो स्किप दिस स्टिच और यहाँ जो सेकेंड स्टिच है उसमें मैं एक सिंगल क्रोशे बना दूंगी। इस तरीके से मेरा एक फर्स्ट सिंगल क्रोशे हो गया। अब जो नेक्स्ट दो स्टिचेस हैं ये 1 2, उसके पास का जो दो स्टिच है 1 2 उसको हम छोड़ देंगे। स्किप द नेक्स्ट टू स्टिचेस 1 2, और जो थर्ड स्टिच है उसमें हम 5 डबल क्रोशे बनाएंगे। सो आई एम गोइंग टू स्किप 1 2 एंड इन द थर्ड स्टिच आई एम गोइंग टू मेक 5 डबल क्रोशे। तो यहाँ मैं 5 डबल क्रोशे बनाऊंगी, 5। इस तरह से बनेगा फर्स्ट डबल क्रोशे, यहीं पर 5 बनाना है। 1 सेम स्टिच आई एम गोइंग टू मेक अनदर डबल क्रोशे, 2 यहीं पर, 3 एक और, 4 एंड लास्ट डबल क्रोशे यार्न ओवर। सेम गैप में ही हमें डबल क्रोशे बनाना है। सो 5 डबल क्रोशे एक ही स्टिच में बनाएंगे, 5 डबल क्रोशे गोज इन 1 स्टिच। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट दो स्टिच है, देखिए ये देखिए 1 2, डबल क्रोशे के बाद जो नेक्स्ट दो चेन स्टिच आता है 1 2, उसको हम स्किप करेंगे और जो थर्ड स्टिच है उसमें हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। सो आई एम गोइंग टू स्किप द नेक्स्ट टू स्टिचेस 1 2 एंड इन द थर्ड स्टिच आई एम गोइंग टू मेक अ सिंगल क्रोशे। तो यहाँ मैं एक सिंगल क्रोशे बना दूंगी इस तरीके से, ठीक है। तो ये बन गया मेरा पहला शेल का एक हाफ। उसके बाद सिंगल क्रोशे बना दिया, उसके बाद जो नेक्स्ट दो स्टिच है उसको हम स्किप करेंगे। स्किप द नेक्स्ट टू स्टिचेस 1 2 और जो थर्ड स्टिच है उसमें मैं फिर से 5 डबल क्रोशे बनाऊंगी। सो आई एम गोइंग टू स्किप द नेक्स्ट टू स्टिचेस एंड इन द थर्ड स्टिच आई एम गोइंग टू मेक 5 डबल क्रोशे। तो दो स्टिच को स्किप करेंगे और जो थर्ड स्टिच है उसमें हम 5 डबल क्रोशे बनाएंगे। सो 1 2 3 4 और एक और डाल देंगे 5। तो 5 डबल क्रोशे एक स्टिच में चला जाएगा, हो गया 5 डबल क्रोशे एक स्टिच में हो गया। अब उसके बाद सेम दो स्टिच को स्किप करेंगे। स्किप द नेक्स्ट टू स्टिचेस 1 2 और जो थर्ड स्टिच है उसमें हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। सो आई एम गोइंग टू स्किप 1 2, ये है मेरा थर्ड स्टिच, देखिए 1 2 और ये थर्ड। तो थर्ड में आप डायरेक्टली जाइए और एक सिंगल क्रोशे बनाइए। इसके बाद पूरा सेम ही रिपीट करना है। तो यहाँ सिंगल क्रोशे बना दिया और ये कुछ इस तरह से दिखता है, ये देखिए दो शेल हो गया। उसके बाद पैटर्न बहुत ही सिंपल है। यहाँ सिंगल क्रोशे बनाने के बाद हम फिर से दो स्टिचेस को स्किप करेंगे और जो थर्ड स्टिच है उसमें हम 5 डबल क्रोशे बनाएंगे। इसी तरह हम रिपीट करें, मैं थोड़ा दिखा देती हूँ पैटर्न, थोड़ा समझा देती हूँ। सो जस्ट शो यू द पैटर्न। सो यहाँ एक सिंगल क्रोशे, दो स्टिचेस को स्किप किया, फिर 5 डबल क्रोशे, उसके बाद स्किप टू स्टिचेस सिंगल क्रोशे, स्किप टू स्टिचेस 5 डबल क्रोशे। इस तरह से हम इस पैटर्न को फॉलो करेंगे। सो दिस इज द पैटर्न दैट यू हैव टू फॉलो। यू हैव टू पुट सिंगल क्रोशे देन 5 डबल क्रोशे, सिंगल क्रोशे 5 डबल क्रोशे एंड ईच टाइम यू गो फ्रॉम सिंगल क्रोशे टू डबल क्रोशे यू हैव टू स्किप 2 स्टिचेस। तो यहाँ एक और बार मैं यहाँ दिखा देती हूँ। तो यहाँ मैंने सिंगल क्रोशे बनाया था, उसके बाद हम नेक्स्ट 2 स्टिचेस को स्किप करेंगे। आई एम गोइंग टू स्किप द नेक्स्ट 2 स्टिचेस एंड इन द थर्ड स्टिच यहाँ हम 5 डबल क्रोशे, आई एम गोइंग टू मेक 5 डबल क्रोशे, 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ हमने 5 डबल क्रोशे बना दिया है। उसके बाद देखिए जैसे पैटर्न बताता है, 5 डबल क्रोशे बनाने के बाद हम नेक्स्ट 2 स्टिचेस को स्किप करेंगे। आई एम गोइंग टू स्किप द नेक्स्ट 2 स्टिचेस, फर्स्ट 1 2 एंड इन द थर्ड स्टिच में हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो इस तरह से मैं इस पैटर्न को रिपीट करती हूँ। सिंगल क्रोशे बनाने के बाद फिर से 2 स्टिचेस को स्किप करेंगे और थर्ड में 5 डबल क्रोशे। तो मैं इस पैटर्न को यहाँ थोड़ा रिपीट करती हूँ और दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ मैंने लास्ट का मैंने 5 डबल क्रोशे कर दिया है और मेरे पास लास्ट 3 स्टिचेस बचे हैं। तो मैं जो 2 है उसको स्किप करूंगी और जो थर्ड स्टिच है उसमें मैं यहाँ एक सिंगल क्रोशे कर दूंगी। सो आई एम स्किपिंग द लास्ट 2 स्टिचेस
इन द वेरी लास्ट स्टिच आई एम गोइंग टू पुट वन सिंगल क्रोशे। तो देखिए ये मेरा वन हाफ हो गया है, मैंने इस पैटर्न को यहाँ फॉलो किया है। अब मैं क्या करूँगी, उसका जो स्ट्रिंग्स जो दो साइड में बना रही हूँ वो मैं बनाऊँगी। अगर आप नहीं बना रहे हैं, अगर आप स्ट्रिंग की जगह पूरा एक बैंड कर रहे हैं, तो डायरेक्टली वो स्ट्रिंग बनाने के बाद जो मैं स्टेप बताऊँगी वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। सो हियर आई एम गोइंग टू नाउ प्लेस द टू स्ट्रिंग्स विथ विच आई एम गोइंग टू टाई। इफ यू आर गोइंग टू पुट इट एज अ प्रॉपर बैंड, जस्ट इग्नोर द स्ट्रिंग एंड स्टार्ट विद द स्टेप ऑफ द कम्प्लीट शेल विच आई विल बी सेइंग अगेन। तो यहाँ एक हाफ हो गया। अब मैं यहाँ चेन स्टिचेस बना रही हूँ, सो आई एम गोइंग टू मेक चेन स्टिच। तो यहाँ मैं ऑलमोस्ट 45 चेन स्टिच यहाँ बनाऊंगी। जितना आपको लंबा आपका स्ट्रिंग चाहिए उस हिसाब से आप चेन स्टिचेस बनाइए। यू कंटिन्यू मेकिंग अ चेन स्टिच एज लॉन्ग एज यू नीड। तो देखिए यहाँ मैंने 45 चेन स्टिचेस बना दिए हैं। अब उसके बाद हमें क्या करना है, जो पहला स्टिच है उसको आप स्किप कर दीजिए और जो सेकेंड स्टिच है वहाँ हम एक स्लिप स्टिच लगा देंगे। तो इस तरह से मैं यहाँ एक स्लिप स्टिच लगा देती हूँ और उसके बाद हर एक स्टिच में आपको एक स्लिप स्टिच बनाना है। सो आई एम गोइंग टू मेक वन स्लिप स्टिच इन एवरी स्टिच। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ जो मैंने 45 चेन स्टिचेस बना दिए थे उसके हर एक स्टिच के ऊपर एक स्लिप स्टिच करके बनाती हूँ और फिर दिखाती हूँ। सो आई एम गोइंग टू कंटिन्यू मेकिंग द स्लिप स्टिच। सो वन स्लिप स्टिच इन एवरी चेन स्टिच दैट यू हैव मेड। तो देखिए यहाँ मैंने पूरा एक स्लिप स्टिच का एक रो यहाँ इस तरह से पूरा कंप्लीट किया है। अगर आपको स्लिप स्टिच डिफिकल्ट लगता है तो स्लिप स्टिच की जगह आप सिंगल क्रोशे भी बना सकते हैं। सो आई हैव मेड वन फुल रो ऑफ स्लिप स्टिच। इफ यू फाइंड डूइंग स्लिप स्टिच डिफिकल्ट, यू कैन इंस्टेड ऑफ स्लिप स्टिच यू कैन डू वन सिंगल क्रोशे ओवर एवरी स्टिच। तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से यहाँ तक पूरा शेल्स कंप्लीट करेंगे। सो वी आर गोइंग टू रिपीट द शेल स्टिच टू कंप्लीट द शेल। तो उसके लिए अगर आप देखेंगे तो सेम हम इसी पैटर्न को यहाँ फॉलो करेंगे। तो ये थे मेरा लास्ट का स्लिप स्टिच। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ 5 डबल क्रोशे था, यहाँ दो स्टिच को स्किप किया था और यहाँ इस स्टिच में मैंने एक सिंगल क्रोशे बनाया है। तो जहाँ मैंने सिंगल क्रोशे बनाया है यहाँ, तो यहाँ फिर से हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। सो वेयर आई हैड पुट द अर्लियर सिंगल क्रोशे आई एम गोइंग टू पुट अनदर सिंगल क्रोशे। तो हम यहाँ एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। उसके बाद देखिए ये जो दो स्टिच है उसको स्किप किया है और ये जो होल है जहाँ हमने 5 डबल क्रोशे किया था वहीं पर हम, ये देखिए इस होल में हम फिर से 5 डबल क्रोशे बनाएंगे। सो आई एम गोइंग टू पुट 5 डबल क्रोशे इन साइड दिस पर्टिकुलर स्टिच। तो 1, 2, 3, 4, एक और 5। तो 5 डबल क्रोशे यहाँ बना दिया। उसके बाद दो स्टिच को स्किप कर दीजिए और जहाँ हमने सिंगल क्रोशे बनाया था, देखिए ये है मेरा सिंगल क्रोशे का स्टिच। तो सिंगल क्रोशे के ऊपर हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। सो आई एम गोइंग टू सी दीज आर द टू स्टिचेस दैट इज स्किप्ड एंड हियर इज योर सिंगल क्रोशे, दिस इज योर सिंगल क्रोशे। तो यहाँ सिंगल क्रोशे हम डालेंगे। तो इस तरह से हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे तो ये हमारा एक शेल कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ सिंगल क्रोशे बना दिया। अब जहाँ हमने 5 डबल क्रोशे बनाया था उसके ऊपर हम 5 डबल क्रोशे बनाएंगे। सो आई एम गोइंग टू रिपीट दिस सिंगल क्रोशे। नाउ हियर इन दिस गैप आई एम गोइंग टू पुट 5 डबल क्रोशे। तो यहाँ मैं फिर से 5 डबल क्रोशे बना देती हूँ। 1, 2, 3, 4 और एक और 5 डबल क्रोशे। तो 5 डबल क्रोशे जो ऊपर है उसका सेकेंड हाफ हम यहाँ बना रहे हैं। फिर यहाँ जो दो स्टिचेस हैं उसको हम स्किप करेंगे और जहाँ हमने सिंगल क्रोशे किया था, देखिए ये 5 डबल क्रोशे था, ये था हमारा सिंगल क्रोशे। तो सिंगल क्रोशे के ऊपर हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। सेम इसी पैटर्न को हम रिपीट कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से मैं थोड़े शेल्स बनाती हूँ। सो आई एम गोइंग टू कंप्लीट दिस विथ 5 डबल क्रोशे एंड अ सिंगल क्रोशे। तो इसके ऊपर देखिए आप यहाँ आ जाइए, यहाँ 5 डबल क्रोशे बनेगा,
फिर जो सिंगल क्रोशे है सिंगल क्रोशे के ऊपर एक सिंगल क्रोशे बनेगा। तो इस तरह से मैं थोड़ा रिपीट कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ मैंने यहाँ पूरा शेल का कंप्लीट कर दिया है, सेम पैटर्न फॉलो किया है, सिंगल क्रोशे और 5 डबल क्रोशे। तो ये मेरा लास्ट का 5 डबल क्रोशे था। अब मैं क्या करूँगी, जो लास्ट का जो सिंगल क्रोशे है कि जो यहाँ होगा, यहाँ मैं एक सिंगल क्रोशे बनाऊंगी। सो इन द वेरी लास्ट स्टिच आई एम गोइंग टू पुट वन सिंगल क्रोशे, सॉरी, इस तरह से। तो अगर आप ये स्ट्रिंग नहीं बना रहे हैं तो आपको जस्ट ये शेल बनेगा और आप डायरेक्टली इसको इस तरह से क्लोज कर सकते हैं। सो इफ यू आर नॉट यूजिंग द स्ट्रिंग्स यू कैन जस्ट कंप्लीट द शेल्स एंड देन अटैच इट, जस्ट जॉइन हियर लाइक दिस। क्योंकि हम स्ट्रिंग बना रहे हैं तो यहाँ बनाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ आपने जितना चेन स्टिचेस लगाया था उतना हम यहाँ बनाएंगे। तो यहाँ मैं थोड़ा यहाँ मैंने 45 चेन स्टिच किया था तो मैं यहाँ 45 चेन स्टिचेस बनाती हूँ। सो आई एम गोइंग टू मेक 45 चेन स्टिच हियर। डू द चेन स्टिच दैट यू हैड डन एंड दिस साइड। तो देखिए यहाँ मैंने 45 चेन स्टिचेस बना दिए हैं। अब उसके बाद हमें क्या करना है, जो पहला स्टिच है उसको आप स्किप कर दीजिए और जो सेकेंड स्टिच है वहाँ हम एक स्लिप स्टिच लगा देंगे। तो इस तरह से मैं यहाँ एक स्लिप स्टिच लगा देती हूँ और उसके बाद हर एक स्टिच में आपको एक स्लिप स्टिच बनाना है। सो आई एम गोइंग टू मेक 1 slip stitch इन एवरी स्टिच। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ जो मैंने 45 चेन स्टिचेस बना दिए थे उसके हर एक स्टिच के ऊपर एक स्लिप स्टिच करके बनाती हूँ और फिर दिखाती हूँ। सो आई एम गोइंग टू कंटिन्यू मेकिंग द स्लिप स्टिच। सो 1 slip stitch इन एवरी चेन स्टिच दैट यू हैव मेड। तो देखिए यहाँ मैंने यहाँ पूरा का पूरा एक स्लिप स्टिच कर दिया है और ये कुछ इस तरह से दिखता है और मैंने इसको कट कर दिया है। सो आई हैव जस्ट फिनिश 1 slip stitch राउंड एंड दिस इज हाउ इट लुक्स। अब इसको मैं थोड़ा हाइड कर दूंगी और आप इसको इस तरह से बांध भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ आप जैसे स्ट्रिंग बांधते हैं वैसे बांध सकते हैं। और ये है हमारा हेड बैंड। अगर आप चाहें तो यहाँ कोई फ्लावर्स आप फिट कर सकते हैं या बीड्स भी आप, ये जहाँ जहाँ हमारा 5 का ये जो क्रोशे है वहाँ आप चाहें तो बीड्स भी लगा सकते हैं। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। फ्लावर्स का मैंने बहुत सारा ट्यूटोरियल डिफरेंट वेराइटी डिफरेंट पैटर्न्स में किया है, उसका सब आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो आई बटन में सब मिल जाएगा। उम्मीद है आपको ये पैटर्न अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।